नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मार्क वन और मार्क टू जो IUF का बनाया हुआ है, ये प्रीवियस मॉडल है और ये न्यू मॉडल है, इस दोनों का कंपैरिजन और गुण अवगुण बताएंगे। तो ये हमारे पास में ये हमारा पिस्टल है मार्क वन, ये 2002 में शायद खरीदे हैं। हाँ, 2002 में इसको हम खरीदे हैं और तब से हमारे पास में है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसमें। और ये हमारा भतीजा आज से 10 दिन पहले हम मना कर रहे थे उसको, हम बोल रहे थे कि तुम रिवॉल्वर लो, लेकिन आजकल का नया लड़का फड़का बात माना नहीं हमारे बात को, बोला कि नहीं चाचा हम जो है सो ठीक कर लेंगे, ये वो करके मैंने ज़बरदस्ती जा कर के ले लिया, हमको जानकारी भी नहीं होने दिया। बाद में हम बिगड़े भी उसको कि तुम मत लो पिस्टल, पिस्टल इंडियन ऑर्डिनेंस का रिलायबल नहीं है। तो खैर जो है इसी पर काम चलाना है, तो हम इसी दोनों के बारे में बता। ये जो है सो 1903 और 1910 का दो क्लोन है ये, इसमें 1903 का सिस्टम है कोल्ट का और बॉडी जो है सो ये ब्राउनिंग का है, ब्राउनिंग साहब का ही कोल्ट भी था और ये ब्राउनिंग फैक्ट्री जो बाद में अमेरिका से बाहर जाके लगाया, वो दोनों एक ही आदमी का डिज़ाइन था। ये 11 जो है सो 1910 जो है सो लोग ज़्यादा इसको प्रेफर किए बाद में। तो खैर ये इंडिया में बिका, उसके बाद क्या मन में आया इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने इसके डिज़ाइन में चेंज किया। क्या क्या चेंज किया तो ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक चेंज किया ये, इसका जो मैगजीन रिलीज था इसको पुश बटन किया, मैगजीन इजेक्ट हो जाता है। और थोड़ा ताकत लगता है लगाने में, इजेक्शन में ताकत नहीं लगता है। दूसरा, इसका ग्रिप मोटा कर दिया। तीसरा, इसके हैमर को जो इंटरनल हैमर था इसको बाहर कर दिया, थोड़ा लॉक में सुधार किया है। जो पहला के लॉक में गड़बड़ी थी वो ट्रिगर दबने के साथ कभी कभी लॉक चल देता था गोली के साथ, उसको इसमें सुधारा गया, थोड़ा लॉक खूबसूरत भी बनाया है और इसके लिए एक डिवाइस भी दिया है खोलने के लिए, साफ करने के लिए। अब इसमें डिमेरिट क्या है ये बता रहे हैं कि अच्छे डिजाइन को कैसे इसमें बर्बाद किया गया। एक तो ये इतना मोटा ग्रिप कर दिया गया है, इसमें देखिए सेफ्टी सिस्टम ये है, ये दबने के बाद ही ट्रिगर दबता है। अब ये लॉक इतना मोटा है कि यहां तक ये पोर्शन पहुंच नहीं पा रहा है, मुश्किल से दबता है। दूसरा, ये जो सिस्टम किया है ये सिस्टम फिरंगी पिस्तौल में अच्छा लगता है और फिरंगी पिस्तौल में भी एंजेला जोली, सिल्वेस्टर स्टालिन ये सब के हाथ में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में अच्छा वो होता नहीं है फायरिंग में। यहाँ तो आदमी को ढंग से चलाने का, ग्रिप करने का तौर तरीका मालूम नहीं है, इंडिया में अभी गन कल्चर नहीं आया है। तो सिनेमा के देखा देखी लोगों का प्रेशर हुआ, अरे व्यापारी को तो व्यापार से मतलब है, आप जाइए चूल्हे भर में, आपके मन के मुताबिक बना दिया पुश बटन और ये हैमर बाहर कर दिया। इससे क्या क्या डिमेरिट्स हुआ ये बता रहे हैं। ये इसमें वायल रहता है, आप ये पॉकेट पिस्टल है, पॉकेट में आप रखे, इसमें डस्ट पिकअप किया और आपके वायल में चला गया और आपका कभी कभी लॉकिंग और डीकॉकिंग सिस्टम को नाश कर दिया। और ये इतना कमजोर है कि गिरता है, कम से कम 20 केस देखें कि इसका हैमर टूट गया है,
इसका हैमर टूट गया है, 200 मामला हम ऐसा देखे हैं। तो ये जो ढका हुआ था उसको आपने एक्सपोज करके बर्बाद कर दिया। ग्रिप पहले वाला, ये तो लकड़ी का हम दिलवाए हैं, पहले वाला इससे भी चपटा था, उसको आपने बर्बाद कर दिया। क्या करके दिया है, अरे इतना मतलब भद्दा चिकरिंग है, और क्या है, प्लास्टिक है कि क्या है। और सबसे बड़ा डिमेरिट है कि ये दबता नहीं है, और फायरिंग में कभी कभी ये बाहर, ये सबसे बड़ा इसमें डिफेक्ट है। जहां तक बात है कि लोग इसको हैमर जो बाहर दिया गया है कि इन केस अगर यदि मिस फायर हो जाए तो फिर चढ़ा के दूसरा मार दीजिए, ये सब नॉनसेंस बात है, वो होता नहीं है। और दूसरा डिकॉक भी ये नहीं होता है, आप जो चाहिएगा डिकॉक करना तो एक हाथ से डिकॉक होगा नहीं, आपको दोनों हाथ लगा के ही चैम्बर में गोली डाल करके, और चाहिएगा कि एक हाथ से हम डिकॉक कर लें तो वो होगा नहीं, एक्सीडेंटल है। तो अल्टीमेटली इसमें जो है सो अच्छाई के नाम पर केवल लॉक अच्छा हुआ है, बाकी इसको बर्बाद ही किया गया है। ठीक है, हम समझते हैं कि मेटल उटल तो इसका बहुत अच्छा है, इसमें दूर आई नहीं है, मेटल बहुत अच्छा है, बैरल बहुत अच्छा है, दोनों का मेटल बहुत अच्छा है, बैरल बहुत अच्छा है, और इसमें जो प्लेटिंग किया गया है बहुत अच्छा है। बोलिए 20 बरस से हमारे पास में है, जो कि ये हर वक्त हमारे बॉडी के साथ ये टच की स्थिति में रहता है, दूसरा कोई भी आयरन रहता तो रस्ट लग के समाप्त हो गया रहता, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ है। हम समझते हैं कि आज के लिए एनफ है, थैंक्स। थोड़ा ये कोरोना के चलते वीडियो बनाने में देर हो रहा है, हमारा मुंगेर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त है, एसपी हमारी महिला एसपी है वो ऐसे तो बहुत सहृदय हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामला में बहुत बहुत ही स्ट्रिक्ट, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, इसके चलते हमारे कैमरामैन को झंझट है। ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा, हम किसी तरह से आपको हम बनाते चले जाएंगे। थैंक्स।